नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, किस तरह से पता कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों, हम सर्च आइकॉन में यहां पर सर्च करते हैं UIDAI। दोस्तों UIDAI दोस्तों आपके स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, वहीं आपको लिखकर सर्च करना होता है। दोस्तों जैसे ही सर्च करते हैं, आपको एक न्यू टैब प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते होंगे, थोड़ा सा जूम करके हम दिखा देते हैं, यहाँ पर लिखा होता है दोस्तों माई आधार। दोस्तों माई आधार यहाँ पर लिखा होता है, यहीं पर आपको क्लिक करना होता है। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट का आपको लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप यहाँ पर डायरेक्टली आ सकते हैं। दोस्तों हम इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों चलिए हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होता है, चेक आधार वैलिडिटी। दोस्तों चेक आधार वैलिडिटी लिखा हुआ एक आपको ऑप्शन मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ऊपर में यहाँ पर लिखा होता है दोस्तों चेक आधार वैलिडिटी। दोस्तों यहाँ पर इंटर आधार नंबर और इंटर कैप्चा शो करता है। दोस्तों हम यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना आधार नंबर इंटर कर लिया है, और दोस्तों यहाँ पर आपको कैप्चा शो होगा जिसको हमें इंटर करना होता है। दोस्तों अगर आपको कैप्चा समझने में परेशानी होती है तो आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम अपने कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों कैप्चा को हम अपने फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम नेक्स्ट यानी कि प्रोसीड वाले बटन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको दोस्तों आपके आधार कार्ड में जिस मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं आपको पता चल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ समय बाद आपका आधार नंबर लिंक है या नहीं मोबाइल नंबर तो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। तो दोस्तों हमारा इनवैलिड कैप्चा ये दिखा रहा है। तो दोस्तों चलिए फिर से कैप्चा को हम इंटर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने वापस से कैप्चा को फिल कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ से चलिए हम प्रोसीड वाले बटन पर वापस क्लिक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसीड वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, दोस्तों आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड लिखकर ये ऑप्शन शो होता है। और दोस्तों आपका यहाँ पर आधार शो करता है, और यहाँ पर आपका एज बैंड, जेंडर, स्टेट और मोबाइल नंबर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर जो है वो लिंक है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है तो आपको नुल लिखकर ये ऑप्शन शो करता है। तो हमारा यहाँ पर मोबाइल नंबर शो कर रहा है, और दोस्तों लास्ट का 3 अक्षर ही दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है नहीं ये जांच सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप किस टॉपिक पर अपना वीडियो चाहते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।